जब सर मल्टीपल कंडीशन। जी हाँ, मल्टीपल कंडीशंस लगानी हो और मल्टीपल कंडीशंस रिक्वायर्ड हो कि मुझे दो या तीन जो भी कंडीशन दिए सारे होने ही चाहिए, कोई एक कंडीशन ना होने पे रिजल्ट मेरा फुलफिल ना हो, तो रिजल्ट नहीं देना चाहिए, फुलफिल होने पे ही रिजल्ट देना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं सैटरडे एंड संडे में, एक बार देख लीजिए। अब बात करते हैं हम और कंडीशंस की, किसकी और। देखिए, एक एंड कंडीशन है और है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो और कंडीशन में क्या यूज होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये सैटरडे संडे हुआ तो मुझे ऑफ दिखाना है, अदरवाइज ओपन दिखाना है। तो प्रॉब्लम है कि यहाँ भी इफ नहीं लगा सकता क्योंकि दो कंडीशंस है, तो लेकिन दोनों कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं, ऑप्शनल है, क्योंकि इस सेल में या तो सैटरडे हो सकता है या संडे। इसके लिए हमने क्या किया, और का फॉर्मूला ले लिया, और फॉर्मूले में मैंने वन बाय वन सैटरडे संडे दे दिया, और एंड की तरह ए बी रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में देता है, बट मुझे तो चाहिए ओपन ऑफ। तो हम ट्रू एंड फॉल्स को अपने खुद के रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करेंगे इफ का फॉर्मूला, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं इफ का फॉर्मूला। और यहाँ पे मैं एन पे प्रेस करूँ तो देखिए ओपन और ऑफ दोनों आ जाएंगे। क्लियर है? तो एंड का फॉर्मूला और का फॉर्मूला दोनों अपोजिट वर्क करते हैं। क्या वर्क करते हैं? अपोजिट मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कि एंड में क्या होता है कि कोई एक कंडीशंस अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, फॉल्स कर देगा, और क्या करता है कि कोई एक कंडीशन भी उसको मिल गई तो उसको ट्रू कर देगा। तो और में कंडीशन नहीं है कि एक ही कंडीशन मिलना चाहिए, कोई एक, एक से ज्यादा भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि वो पहले को चेक करेगा, पहले उसको मिल गया तो बाकी को चेक ही नहीं करेगा। क्लियर है? और का फॉर्मूला। क्लियर सर। चलिए अब बात करते हैं एंड का, एक और कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब मल्टीपल कंडीशंस डाल रहे हैं एंड में, जैसे कि रिजल्ट्स मान लीजिए। तो एक एक क्लास, कोई पर्टिकुलर क्लास का रिजल्ट निकालना है हमें, और यहाँ पे सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री, सब्जेक्ट फोर का रिजल्ट दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि हम पास तभी करेंगे जब सारे सब्जेक्ट में 30 से ऊपर होगा। तो यहाँ रिक्वायर्ड है, कंडीशंस है कि ऐसा होना ही चाहिए, तो हमने यहाँ पे ये लगा दिया एंड का फॉर्मूला। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फिर दूसरा कंडीशन लगाया, चेक किया, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फिर तीसरा कंडीशन लगाया और ग्रेटर देन इक्वल टू 30, और फिर वापस चौथा कंडीशन लगाया ग्रेटर देन इक्वल टू 30, और एंटर प्रेस करने पे रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू एंड फॉल्स में। अब ट्रू फॉल्स को पास और फेल करने के लिए क्या लगाएंगे हम, इफ का फॉर्मूला। इफ अगर इट ट्रू है तो पास, अदरवाइज फेल। सिंपल सा, समझ गए? तो इस तरह से मल्टीपल कंडीशंस हमारा वर्क करता है। तो मल्टीपल कंडीशंस में आप इस तरह से काम कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें आप लोगों को? विजेंद्र जी, महेंद्र जी, प्रदीप जी, कोई डाउट इसमें? सर यहाँ पर सिर्फ हम लोग एंड एक ही बार यूज किए हैं ना इस फॉर्मूले में सर, हाँ, एक ही बार यूज किया ना एंड। एंड के अंदर आप बीच में कई कोई सारे कंडीशन दे सकते हैं, माने कि एंड के अंदर ही हमने चारों कंडीशन दे दिया, एंड एक ही बार यूज ओके होगा ओके सर। ठीक है सर जी सर और किसी को डाउट? देखिए लाइव क्लास है, कोई भी डाउट हो धड़ल्ले से पूछ सकते हैं, मैं सबको बोल रहा हूँ, ससुराल की ओके तरह सर समझाइए, शरमाइएगा नहीं। क्या होता है ना कि जब ससुराल जाते हैं लोग, और ये पहली दूसरी दफा होता है, तो जब खाना मिलता है तो खाने को मांग, मुझे कोई चीज कम जाता है तो मांगने में शर्म करते हैं, ठीक है ना? तो ऐसा शर्म मत कीजिएगा। अब चलिए इसी में मल्टीपल कंडीशंस में हम और के ऊपर डिस्कस करते हैं।
ठीक है। और कैटेगरी में और में क्या है कि मैं यहाँ पे स्टेटस निकालने वाला। तो बेसिकली एक डिपार्टमेंट में आईडी प्रूफ जमा करने के लिए कुछ चेकलिस्ट है कि किसने पासपोर्ट जमा किया, डीएल वोटर यूआईडी जमा किया, और स्टेटस में ओके या पेंडिंग शो करना है। ओके कब शो करना है, जब किसी एक भी आईडी प्रूफ दे देता है। और पेंडिंग कब शो करना है, कोई कि जो एक भी आईडी प्रूफ नहीं दे पाता है, राइट सर। तो अगर किसी एक में वाई है तो यहाँ पे स्टेटस ओके आ जाए। तो इसके लिए हम और लगाएंगे, क्या लगाएंगे, और का फॉर्मूला। और लगाया यहाँ पे इक्वल हमने वाई किया कॉमा, इसको सेलेक्ट किए इक्वल। अब वाई को इन्वर्टेड कॉमा डालिएगा क्योंकि वाई टेक्स्ट है, इसलिए वाई को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में डालेंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर प्रेस करें, एंटर प्रेस करते ही नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो रिजल्ट आपका ट्रू फॉल्स में आ जाएगा। और ट्रू फॉल्स को ओके पेंडिंग में कन्वर्ट करने के लिए इफ का यूज कर लेंगे। क्या सर, इफ इफ यहां पे लगाएंगे और यहां पे हम करेंगे ओके पेंडिंग और एंटर प्रेस करें और नीचे की तरफ ड्रैग करें। अमित जी गुड मॉर्निंग, यूट्यूब लाइव पे अमित जी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। चलो मैं भी गुड मॉर्निंग बोल दिया आपको, समझ गया सर। तो यहाँ पे समझिए, एक चीज समझ लीजिए। अब अमित जी को कन्फ्यूजन है, मैं उनको सॉल्व कर रहा हूँ, यूट्यूब लाइव पे है। तो ये चीज समझिए कि इफ और एंड, तो इफ जो है सिंपली ये चीज को जानिए कि यहाँ जो ट्रू एंड फॉल्स होता है, यहाँ जो ट्रू एंड फॉल्स हुआ, अगर ट्रू हुआ तो एक रिजल्ट दे देगा, फॉल्स हुआ तो दूसरा रिजल्ट दे देगा। ठीक है, कि आपका रिजल्ट वन हो गया और यहाँ पे आपका रिजल्ट टू हो गया। अब सिंपल सी बात है कि इफ जो है सिंपल सी बात है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स को कंसिडर करता है। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स लाने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेशन देते हैं, जैसे कि इट्स ग्रेटर देन 80-20 वगैरह वगैरह। तो यहाँ रिजल्ट ट्रू फॉल्स आता है। अब एंड क्या करता है, एंड का काम होता है जैसे कि इफ फॉर्मूला जब हमने लगाया, इफ फॉर्मूला में हमने क्या किया, इफ फॉर्मूले में हमने एक पर्टिकुलर लॉजिकल ऑपरेटर दिया। लेकिन मेरे पास जब ज्यादा लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, मैं कई चीजों देख के फिर मुझे डिसीजन लेना है, तो वहां पे हम एंड या और देते हैं। तो एंड और आखिर में निकालता है ट्रू एंड फॉल्स ही, समझे सर, कि जो भी कंडीशन देते हैं तो निकालता ट्रू एंड फॉल्स ही है। और फिर ट्रू एंड फॉल्स के बिहाफ पे इफ अपना रिजल्ट दे देता है, सिंपल। तो एंड का इस्तेमाल कब करते हैं, जब कंडीशन हमारे पास रिक्वायर हो। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट वन है, सब्जेक्ट टू है, सब्जेक्ट थ्री, सब्जेक्ट फोर, सारे सब्जेक्ट के पास कीजिएगा तभी ना आपको पास माना जाएगा। तो सारे सब्जेक्ट को चेक करने के लिए हमें यहाँ एंड फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो एंड फॉर्मूले का काम क्या है कि सारे कंडीशन को चेक करेगा, मतलब सारे सेल्स को चेक करेगा कि 30 से ऊपर है या नहीं। अगर है तो रिजल्ट ट्रू दे देगा, नहीं है तो फॉल्स दे देगा। अब इफ क्या करेगा, इफ सिंपल सी जो आपका ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू दे पास दे देगा क्योंकि ट्रू का पोजीशन पास है यहाँ पे देख लीजिए, और फॉल्स दिया तो फेल दे देगा क्योंकि फॉल का पोजीशन फेल फॉल्स फेल जो है फॉल्स का पोजीशन है, सिंपल। यही काम आपका और भी करता है, बट और यही है कि उसको एक भी कंडीशन मिल गया तो ओके कर देता है। ठीक है सर, अब तो समझ में आ गया होगा सर, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। जी सर, अब इसमें आगे बढ़ते हैं अगली एग्जाम्पल। अब अगले एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए इफ और एंड दोनों इकट्ठा हो तब क्या करेंगे, और इफ एंड और इकट्ठा होने का मतलब है? जैसे एक बैंक है, बैंक
बैंक कहता है, बैंक का ये आई कार्ड का चेकलिस्ट है, बैंक कहता है कि मुझे दो डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको पैन तो देना ही पड़ेगा क्योंकि पैन कंपल्सरी है बैंक में, पैन के अलावा इनमें से चारों में से कोई एक दे सकते हैं, या दो भी दीजिए तीन दीजिए, लेकिन एक कम से कम होना ही चाहिए। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला एंड और दोनों को मिक्सअप करके, अब इसको इक्वल टू वाई कर देते हैं एंड में, और फिर यहाँ और लगाते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ करते हैं इक्वल टू वाई, फिर कॉमा इसको सिलेक्ट करते हैं इक्वल टू वाई, फिर कॉमा वोटर आई कार्ड को सिलेक्ट करते हैं और बोलते हैं इक्वल टू वाई, और फिर यूआईडी को सिलेक्ट करते हैं इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे हमने एंड और दोनों फॉर्मूला लगा दिया, एंड और दोनों फॉर्मूला इकट्ठा लगा दिया, और फिर इसमें स्टेटस में ओके पेंडिंग के लिए हमारे पास इफ फॉर्मूला तो है ही, इफ फॉर्मूले की मदद से मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। राइट, अब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एक फॉर्मूला और आता है एक्स और का, एक्स और फॉर्मूला, अब एक्स और फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। एक मिनट दीजिएगा, इस पे डेटा वैलिडेशन लगा है, उसको रिमूव कर देते हैं, और बहुत ही मजेदार चीज बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे जान देखिए कि मेरे पास, सिंपल सी हम बात करते हैं कि मेरे पास एक स्टेटस है जिसे मुझे दिल्ली और पुणे दो जगह पे ट्रांसफर किया गया, मैं दोनों में से कोई एक कोई चूज कर सकता हूँ। अगर मैंने दोनों चूज कर लिया तो गलत होगा, और दोनों चूज नहीं किया तो भी गलत होगा, तो कोई एक होना चाहिए, दिल्ली हो या पुणे हो। तो ऐसे केसेस में हम लगाते हैं फॉर्मूला एक्स और का, जी हाँ एक्स और, एक्स और फॉर्मूला में दोनों कंडीशन दे दीजिए, अगर दोनों कंडीशन फुलफिल है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, और यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आपके सामने आ गया। अब इसको ओके और पेंडिंग में हम इस फॉर्मूले से कवर कर सकते हैं, तो अगर दोनों में वाई हुआ तो ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक है सर, अगर यहाँ दोनों में वाई नहीं है तो फॉल्स होगा, तो किसी एक में चाहे पुणे कर लीजिए तो ट्रू आ जाएगा, या दिल्ली कर लीजिए तो ट्रू आ जाएगा। ओके सर, बट इसका बेनिफिट क्या है, इसका यूज हम क्या करते हैं? तो अब चलिए एक सॉल्व फॉर्मूले की एक और यूज बताता हूं। मुझे क्या करना है कि दिल्ली और पुणे आपको दिख रहा होगा, दिल्ली और पुणे में मैं सिर्फ जो है वो अपना दिल्ली पे ही टाइप करना चाहता हूँ या पुणे पे टाइप करना, मैं दोनों पे अगर मैं टाइप करता हूँ तो दोनों पे प्रॉब्लम होना चाहिए, मतलब कि एंट्री नहीं लेना चाहिए। तो मैंने एक्स और फॉर्मूला जो पिछले पिछले टॉपिक में मैंने बताया, इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे रखेंगे, लेकिन कहाँ जाके, डेटा वैलिडेशन, डेटा मेनूबार में होता है डेटा वैलिडेशन, उसी में जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पे वो फॉर्मूला डाल देंगे। डालने के बाद आपको करना है ओके, उसके बाद कॉपी कीजिए, एक पर्टिकुलर एरिया जहां तक आप टाइप करेंगे उतना एरिया को सेलेक्ट कीजिए, पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में आएगा वैलिडेशन, आप ओके कर दीजिए। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पे पुणे में टाइप करने की कोशिश की तो एंट्री एक्सेप्ट नहीं लेगा, लेकिन यहाँ नीचे पुणे टाइप करूंगा तो ले लेगा, बट फिर दिल्ली में टाइप करूंगा तो एंट्री एक्सेप्ट नहीं लेगा। समझ में आया सर? जी ये थी हमारी एंड और की फॉर्मूले। तो आज की वीडियोज और ये फाइल मैं आपको भेज दे रहा हूं, बैठ के तसल्ली से प्रैक्टिस कर रहे हैं।